있어 이거. 월드가 되놈의 हमारे ऊपर उन्हें भेजने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया लगे अंदर नहीं करना पेड़ हाँ साइड भी हो जा फ्रंट भी घूम देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% आपके असर करेगी। आप अगर जो इसको फॉलो करते हो तो, और अगर जो फिर भी आप नाकामयाब होते हैं तो मैं आपको बता दूं, और जल्दी के लिए ये जो है आप जो है आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में जाइए और अश्वगंधा लेकर आइए। जी हाँ, सुबह और शाम दूध के साथ आप उसको ले सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपका भूख बढ़ेगी, आप मोटे होंगे और आपकी लंबाई भी बढ़ेगी। जी हाँ, ये लंबाई में भी काम आता है। ये अश्वगंधा जो है बहुत बढ़िया चीज़ है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जय हिंद जय भारत, मैं मनोज ओरे लेकर आया हूँ आपके लिए नवी बेहतरीन शानदार मूवीज। जी हाँ, बदले फिल्म मिक्स मसाला से अब तक आपने जो वीडियो देखी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सही लगे या गलत लगे, लेकिन वीडियोस आपको कट करके नहीं देखनी है, पूरी की पूरी देखनी है, क्योंकि YouTube का नया नियम आ चुका है, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा चाहिए और फास्ट टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर जो फास्ट टाइम और सब्सक्राइब ज़्यादा ना हुए तो YouTube हमारे चैनल को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। आपको लग जाना है कि अगर जो ध्यान देते रहे वीडियोज़ में YouTube वाले, तो आपको सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाने हैं, लाइक्स ज़्यादा से करवाने हैं, और आपको फर्स्ट टाइम पूरी वीडियोस आपको पूरी की पूरी देखनी है। और मुझे बहुत टाइम से लोग बोले कि आपकी वीडियो पूरी नहीं दिखती है, तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे गोल घेर के अंदर मैं दिखाई दे रहा हूँ वहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद एक फोल्डर आएगा जिसमें होम वीडियोज़ वगैरह होंगी, वीडियोज़ में आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद मेरी सारी की सारी वीडियोज़ आपके सामने हाजिर हो जाएगी। आपने जो वीडियो नहीं देखी है, जो देखनी है, जो बार बार देखनी है, उसमें से सेलेक्ट करके आप ओके करके मेरी वीडियो सारी देख सकते हैं। मित्रों, आपने पिछली वीडियोस देख ली होगी कि मोटा कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किन कारणों से होते हैं, डाइट कैसे लेनी चाहिए, कैसे नहीं लेनी चाहिए। ये आपने नहीं देखी है तो पिछले वीडियोस में देख लीजिएगा, मैंने जड़ से लेकर ऊपर तक सब कुछ बताया है। बात शुरू करते हैं, मुझे अक्सर बच्चे बोलते रहते हैं दूसरे बदले कि सर जी आप जो है मोटो के लिए बना रहे हो, हमारी बारी कब आएगी, कब हम मोटे होंगे, हम भर्ती होना चाहते हैं, हम वेट गेन करना चाहते हैं, हम मसल बड़ी करना चाहते हैं, किस तरीके से मोटे हों, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कैसा हमें रहना है, कैसा नहीं रहना है। तो मैं जो है उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिए प्राकृतिक चीज़ से कैसे आप जो है नेचुरल डाइट से अपने को, उन्हें जो है मालूम नहीं है कि क्वांटिटी कितनी थी, वो सोचते हैं एक कटोरे चने खा लेते हैं हम केले वाले, और रोटियाँ खा लेते हैं दो चार, और दो अंडे खा लेते हैं, और जो है हम जो है हफ्ते में एक आध बार मीट खा लेते हैं तो हमारे वेट गेन होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, केले खा लेते हैं, जबकि केले में 80% तो पानी ही होता है और कुछ भी नहीं होता है, साइज प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिला के ही बढ़ा पाते हैं। आप सोचते हो कि केले केले खा के मोटे हो जाएं या दूध दूध पी के मोटे हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ आगे किस तरीके से हमें डाइट लेनी है, किस क्वांटिटी में डाइट लेनी है, किन बातों पे ध्यान देना है और किन बातों पे ध्यान नहीं देना है। मैं
मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, इसी इससे सस्ता इससे बढ़िया इससे बेहतरीन कोई रिजल्ट हो ही नहीं सकता, होगा नहीं, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये रामबाण है। क्या है ये रामबाण है? जो कभी अचूक नहीं होता है दोस्तों, आपने अगर जो इसे फॉलो कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बॉडी बिल्डर और या मोटा होने से नहीं रोक सकती। बच्चों आपको बहुत सरल उपाय नजर आता है कि हम मार्केट में जाएं और गेनर उठा के ले आए, जिससे हम बहुत जल्दी साइज गेन करेंगे, पहले बॉडी बढ़ा लेंगे फिर हम साइज बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें केवल 20-22% ही प्रोटीन होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका कि खर्चा बहुत ज़्यादा है। उसका असर तभी होता है जब आप 2 या 3 डब्बे हर महीने ले रहे हो और कम से कम 2-3 महीने के बाद उसका रिजल्ट आना शुरू होता है। वो खाली गाल बढ़ा देता है, वेट मोटा कर देता है, जो मसल्स गेन नहीं होती। मसल्स गेन नेचुरल प्रोटीन होता है जिसमें ज़्यादा परसेंट होता है, नेचुरल डाइट से हम इस प्रोटीन को लेंगे। आप ध्यान दिए और इस तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा कि आप जो है गेनर लेंगे तो बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। गेनर गेनर ही होता है, मसल्स गेन अलग होती है और ये गेनर इसका होता है, वेट बढ़ाने से मतलब होता है और कुछ भी नहीं। दोस्तों आपको ऐसी बॉडी चाहिए या फिर ऐसी बॉडी चाहिए या फिर ऐसी बॉडी चाहिए, तो आपको मेरी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, मेरे प्लान को सही समझना पड़ेगा। बच्चों आपको सबसे पहले कारणों पर ध्यान देना है कि क्या कारण है कि आपको भूख नहीं लग रही है, क्या कारण है कि आपके पतले हैं, बहुत खाने के बावजूद भी आप पतले हैं। क्या ऐसा कभी होता है कि आप लोग खाएं या कोई भी व्यक्ति खूब खाए और मोटे ना हो, पतले रहें, ऐसा होता है? तो मैं कहूँगा बच्चों ऐसा नहीं होता कि आप खाएं और मोटे ना होए और खूब खाएं और मोटे ना हो, ऐसा भी कोई। क्या है दोस्तों कि आपका दिनचर्या खराब है? खेल कैसा खेला जाता है, क्या खेला जाता है आपको ये मालूम नहीं है? आप खेलते हैं, दिन भर खेलते हैं, रात भर खेलते हैं, 2-2 बजे तक खेल रहे हैं, लेकिन आप मैदान में नहीं दोस्तों, आप वीडियो गेम में खेलते हो, मोबाइल में खेलते हो। ये गेम आप मोबाइल या वीडियो गेम में नहीं खेलोगे, आप जो है मैदान में खेलोगे जितना ज़्यादा हो सके। क्या करते हो कि जब आपको भूख लगती है तो आप दोस्तों फास्ट फूड दुकानों की तरफ भीड़ होकर इकट्ठा हो जाते हो, वहाँ पर फास्ट फूड खाते हो, और वो फास्ट फूड खाने के बाद क्या होता है कि आप घर पर जाते हो तो शरीर जो है उसी को ही पचाने में सारा समय लगा जाता है, और आप घर पर जाके भर पेट जो आपको अच्छा खाना चाहिए भर पेट खाना चाहिए, ज़्यादा रोटियाँ खाने चाहिए, 8 से 10 तक रोटियाँ खानी चाहिए, वो आप नहीं खाते हो, जिसके कारण ये फास्ट फूड के कारण जो है तुम्हारी पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है और भूख वहीं खत्म हो जाती है। आपको क्या करना है कि पानी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। आप पानी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, आपको प्यास लगती है तो आप फ्रिज का ठंडा पानी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आइसक्रीम खाते हो, जिसके कारण कि आप जो है पानी के बगैर आप अधूरे हो, पानी के बगैर खाना पच नहीं सकता है, और खाने पचाने में पानी की मदद बहुत ज़रूरी होती है। भूख में एक कारण होता है कि आपके पेट में कीड़े हैं, कीड़े के कारण आपका शरीर नहीं बन पाता, भूख नहीं लगती, या बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप खाने के बाद भी आपका शरीर नहीं बन पाता, तो आपने जो है हर 6 महीने में कीड़े मारने की दवाइयाँ केमिस्ट के यहाँ पे मिल जाएगी, आप कीड़े मारने की दवाइयाँ लेते रहो हर 6 महीने में। अब हम बात करते हैं कि हमें जो है खाना कैसा खाना चाहिए। सुबह दोस्तों नाश्ते में आप हल्का भोजन लेंगे, जैसे कि दलिया आप ले सकते हैं, जितना मर्जी उतना खा लीजिएगा, सब्जियाँ ले सकते हैं, हरी सब्जी जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, फाइबर बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से पाचन क्रिया करता है, हरी सब्जी फल फ्रूट वगैरह भी ले सकते हैं, और आप 1 गिलास दूध लीजिए, दलिया लीजिए, रोटियाँ खाइए, सुबह का नाश्ता और 1 गिलास दूध भी पीजिए। उसके बाद आता है दोपहर का भोजन, दोपहर में आप दाल ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, चावल कम से कम लेंगे, रोटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, जी हाँ दही भी ले सकते हो, सब्जियाँ भी ले सकते हो, और फिर शाम को जो है आप जब मैदान में खेलने जाएंगे उससे पहले आप खा सकते हो 2 रोटियाँ 1 गिलास दूध, और आप फिर मैदान में खेलने के लिए तैयार हो, उसके बाद जब आते तो फिर खा सकते हो। फिर रात को आपने जो है दाल पे ज़्यादा ध्यान देना है, सब्जियाँ ज़्यादा खानी है, रोटी कम से कम 10 या 12 पे खानी है,
और आप दालों में आप सोयाबीन की दाल इतनी ज्यादा लीजिए क्योंकि एकमात्र सोयाबीन की ही दाल है जिसमें कि 40 से ऊपर प्रोटीन पाया जाता है। 40% से ऊपर आपको जो है सोयाबीन उबाल देनी है। वैसे कच्चे तो आप खा नहीं पाओगे, तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। जितनी ज़्यादा आप खाओगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जो है सोयाबीन के साथ जो है आलू उबाल के दीजिए, उसे काट के उसे फ्राई कर दीजिए, फ्राई करके फ्रीज में लगा दीजिए और जब आपको टाइम मिलता है 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद हर 2-2 घंटे के अंतराल में आप उसे एक कटोरी भर के ले सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स में खेलने जा रहे हो उस टाइम ले लो, शाम के टाइम जब आपको भूख लगती है उस टाइम ले लो, या रात की डाइट में सोयाबीन और आलू जो उसमें पड़े हैं उसे लीजिए। आपने प्याज टमाटर फ्राई वराई करके उसको और फ्रीज में लगा देना है जिससे कि वो खराब ना हो। सवेरे एक टाइम पे ही आप इसे कर दीजिएगा और पूरे दिन भर आपका ये चलेगा। तो कम से कम आपको 150 से 200 ग्राम डेली के सोयाबीन खाने हैं। देखिए सोयाबीन एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही अच्छी सप्लीमेंट देता है, बहुत ही अच्छा प्रोटीन देता है, उसमें ऑयल होता है, ऑयल के कारण आपका साइज जल्दी भी गेन होता है, मसल बहुत बढ़िया गेन होती है। आपने जो है इस पर ध्यान देना है कि सोयाबीन की दाल कैसे नहीं, चनों में प्रोटीन होता है लेकिन इतनी जल्दी उससे साइज नहीं बढ़ता। वेट लूज करने के लिए जो है चनों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। आप हर प्रकार की दाल ले सकते हो, कोई भी दाल हो, लेकिन अपनी डाइट में दाल बहुत जरूरी करें। दाल नहीं लोगे तो आप बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाओगे, मसल्स आपकी ग्रोथ नहीं करेगी। आपने जो है दाल ज़्यादा लेनी है, मैं दाल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। दलिया खाना है, दालें खानी है, आप घी ना खाएं, चावल ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक ना खाएं, जो चीज़ बहुत देर में पचती है आप वो चीज़ बिल्कुल भी ना करें। और अपने स्पोर्ट्स लाइफ में स्पोर्ट्स खेलें, मैदान में जितनी ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा खेलते रहें। नॉन वेज का शौक रखते हैं तो 200-250 ग्राम दाल की जगह आप 300 ग्राम करीबन चिकन खा सकते हैं अकेला, और जितनी ज़्यादा अंडे हो सके। आप नाश्ते में अंडे भी ले सकते हैं और स्पोर्ट्स में जाने से पहले अंडे भी ले सकते हैं, चाहे आपकी पॉकेट मनी जितनी आपको सीट देती है आप उस टाइप से आप अंडे बढ़ाएंगे। ये नहीं बोलूँगा मैं आपको कितने अंडे खाने हैं, लेकिन दाल में आपको बोल सकता हूँ, दलिया में आपको बोल सकता हूँ, रोटियाँ में आपको बोल सकता हूँ, आपसे करीबन 8-10 रोटी के ऊपर पहुँचना है। आपने जो है 250 ग्राम खानी है। और जो है बच्चों घर पर कैसी एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से वेट बनाना है, किस तरीके से बेंच बनानी है, किस तरीके से प्रोटीन पाउडर आप बना सकते हो अपने मसल्स को और ज़्यादा गेन करने के लिए, अगर आप थोड़ा सा खर्चा और करो तो और अच्छी बॉडी थ्रू इससे भी बढ़िया डाइट फॉलो कर सकते हो। प्रोटीन पाउडर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इन सब बातों को फॉलो करो, दुनिया की कोई भी ताकत आपको बॉडी बिल्डर बनने से, पहलवान बनने से, WWE के फाइटर बनने से कोई भी नहीं रोक सकती। ये रामबाण अचूक है जो कि कभी भी चूक नहीं सकता, फेल नहीं।